प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। पहली प्रॉपर्टी है ईएम वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, हर वक्त ई और बी क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री पे। इसे बोलते हैं, अंडरलाइन करो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसका मतलब क्या समझते हो वो पूछेगा, तो बोल देना अगर कोई वेव ई एम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे है, इसे ट्रांसवर्स नेचर बोला जाता है। तो ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड वेव प्रोपगेशन आर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री से ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड प्रॉपर्टी, ई एम वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा दो, पेपर में आना है, स्टार लगा दो, अंडरलाइन कर लो, इसे पेपर में आना है। ई एम वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। देखो अगर चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर सकता है पर मैग्नेटिक नहीं कर सकता। रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज भी तो पैदा ही नहीं करता, तो इसलिए ई एम वेव पैदा नहीं हो सकती। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता, तो ई एम वेव पैदा नहीं होगा। और अगर एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज है, अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग पैदा होगा, जिसे ई एम वेव पैदा हो सकती है। तो इसलिए याद रखना, वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या ई एम वेव पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता। रेस्ट पे पड़ा हुआ कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, सिर्फ एक्सेलरेटेड वर्ड जरूरी चाहिए, एक्सेलरेटेड चार्ज ही कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, ई एम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। आपको वैक्यूम में भी ट्रेवल करके दिखाएंगी ये वेव्स, आपको मीडियम की जरूरत नहीं है। फ्री स्पेस में, वैक्यूम में इनकी ये स्पीड है, और कल को अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया, म्यू और एप्सिलॉन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, सी की जगह ये वी हो जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक ई एम वेव की क्रेस्ट दूसरी ई एम वेव की क्रेस्ट पे मिलके नया क्रेस्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, और क्रेस्ट ट्रफ को कैंसिल कर सकती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये फॉलो करती हैं। ठीक, वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ई एम वेव ऑलवेज टेक प्लेस एट सेम टाइम एट सेम पॉइंट इन स्पेस। मतलब जब आपका ई चेंज हुआ उसी वक्त बी पैदा हो जाएगा, कोई डिले नहीं है इसमें। ई ऐसे चेंज हुआ, बी भी उसी टाइम पैदा होगा, कोई डिले नहीं है। और जब ई चेंज होगा और बी चेंज होगा, हर वक्त ई और बी की रेशियो सेम रहेगी, बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और दिस विल गिव स्पीड ऑफ ई एम वेव, सी इज इक्वल टू ई बाई बी। तो ये इंस्टेंटेनियस ई है, ई चेंज होता जा रहा है, कि किसी भी वक्त अगर ई की वैल्यू ई है, उस वक्त बी की वैल्यू बी है, इनकी रेशियो क्या आएगी, सी। तो अगर ई को ई डबल हो गया, बी भी उसी टाइम डबल हो जाएगा, ताकि आंसर वेलोसिटी रिमेंस सेम। क्लियर है यहाँ तक। तो ई और बी की रेशियो आपको सी देगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, स्पीड निकालने का तरीका आता है, ई बाई बी की रेशियो आपको स्पीड देगी। एनर्जी इन ई एम वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ई एम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक है, आधी मैग्नेटिक है, याद रखना। और कुछ ई एम वेव्स को हम देख सकते हैं, जैसे कई तरीके की ई एम वेव्स हैं, एक्सरेज है, गामा रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, बहुत सारी वेव्स हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे गामा रेज नहीं दिखाई देती, माइक्रोवेव नहीं दिखाई देती, रेडियो वेव नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ वेव दिखाई देती हैं, जैसे विजिबल लाइट, लाइट ई एम वेव है, विजिबल लाइट दिखाई देती है। तो देखने, क्योंकि ई एम वेव किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई है, तो ई एम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए, देखने वाला कॉम्पोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता और हमें हेल्प भी नहीं करता देखने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है लाइट वेक्टर के लिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।